स्वागत है इंटरेस्ट टीवी पे दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशली एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे डिनर फोर्स की तरफ से आईडेक्स में दिए गए चैलेंज के बारे में। ये चीज हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से डिफेंस स्टार्टअप को पुश करने के लिए आईडेक्स को शुरू किया गया था। जहाँ आईडेक्स का मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। हर साल भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन आर्म फोर्सेज की तरफ से कुछ चैलेंजेस रिलीज करते हैं और इन चैलेंजेस के ऊपर स्टार्टअप कंपनीज काम भी करती हैं। इन कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ पैसा भारत सरकार की तरफ से भी दिया जाता है और इवेंचुअली इनका प्रोडक्ट सिलेक्ट होता है तो उसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट भी इनको दिया जाता है। इस साल भी कई चैलेंजेस रिलीज किए गए हैं, लेकिन चैलेंज नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी चैलेंज के बारे में बात करेंगे, इसलिए गौर से देखना और अगर आप पूरा देखेंगे तो बिलीव करना दोस्तों, आपको मजा आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैलेंज का नाम है डेवलपमेंट ऑफ सार इमेज डिसरप्टर, यानी एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो सिंथेटिक अपर्चर रडार द्वारा ली जा रही फोटोग्राफ्स को डिसरप्ट करेगा। आज की तारीख में एक बड़े एरिया को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है उनमें से एक है सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखिए, सिंथेटिक अपर्चर रडार को बेसिकली एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करते हैं। मूविंग प्लेटफॉर्म एक एयरक्राफ्ट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकती है और कई जगहों पे एक बलून भी हो सकता है। इस मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंटेड सिंथेटिक अपर्चर रडार आमतौर पर जमीन की तरफ सिग्नल भेजता है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से आता है। ट्रांसमीटर से गए सिग्नल ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आकर रिसीवर में रिसीव किए जाते हैं और उसको डिजिटाइज करके स्टोर किया जाता है। कुछ इसी तरीके से एक बड़ी इमेज बना ली जाती है और ये हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको काफी बेहतर इमेजेस देती है। आमतौर पर किसी भी सिंथेटिक अपर्चर रडार में 3 स्कैनिंग मोड होते हैं, स्ट्रिप मैप, स्पॉटलाइट और स्कैन मोड। जब आप किसी एरिया का एक हाई रेजोल्यूशन मैप बना रहे होते हैं तब आप स्ट्रिप मैप मोड का प्रयोग करते हैं, जहां पर एक एक स्लॉट को एक एक पिक्सल के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है और एक कलेक्टिव पिक्चर बनाई जाती है। लेकिन अगर आपको एक ज्यादा बड़े एरिया को कम समय में स्कैन करना है तो आप स्कैन मोड का प्रयोग करते हैं, जहां पर एंटेना की बीप एक बड़े एरिया को स्वीप करती है और आप मल्टीपल स्ट्रिप मैप्स एक साथ बना पाते हैं। हालांकि इस मोड के दौरान जो रेजोल्यूशन है कम हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं समझ पाते, लेकिन अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को काफी क्लोजली मॉनिटर करना है तो स्पॉटलाइट मोड का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की कई अलग अलग जगहों से तस्वीर ली जाती है, जिसके चलते रडार का इफेक्टिव एंटीना अपर्चर काफी बड़ा हो जाता है और आपको बहुत फाइन इमेज मिलती है। इस तरीके के एसेट्स ऑलमोस्ट हर एक इम्पोर्टेंट कंट्री के पास होते हैं और इम्पोर्टेंट कंट्रीज अपने प्रॉक्सीज के साथ में इस तरीके के डाटा शेयर करते रहते हैं। भारत के पास में ऐसे सिस्टम्स हैं और भारत लगातार उनका प्रयोग करता आ रहा है। सैटेलाइट के अलावा भारत के केस में इंडियन नेवी के पीयर टाइप नेपचून एयरक्राफ्ट में भी ये सिस्टम अवेलेबल है। और आपको याद होगा डोकलाम के दौरान चाइना के मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए भारतीय नौसेना के इस एयरक्राफ्ट का प्रयोग भी किया था। इतना ही नहीं, लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ के दौरान भी इस तरीके के सिस्टम का प्रयोग किया गया है और ये चीज दिखाती है कि इस तरीके के सिस्टम कितने केपेबल होते हैं और कितना एक्सटेंसिव तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं इन सिस्टम के कारण देशों को ऐसा लगता है कि वो शीशे के घरों में रहते हैं और उनको एनिमीज जो है उनके उनको सब पता है। इससे बचने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से ये नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ये चैलेंज भारतीय और ये जो प्रोजेक्ट भारतीय सेना की तरफ से नए स्टार्टअप्स को दिया गया है। यहाँ पे फंड्स भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, आप लगातार इंडियन एयरफोर्स से बात कर पाएंगे और अगर आपका सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री निकलता है तो उसका ऑर्डर भी दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जो लोग सार को समझते हैं उनको साफ समझ में आएगा ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होंगे, इनको काफ़ी आसानी से बनाया भी जा सकेगा, साथ इनको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। यहाँ पे एल्गोरिदम के बारे में बात करके देखो कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको रहने देते हैं। लेकिन अगर हम एल्गोरिदम के बात शुरू करेंगे तो चीज़ें बहुत टेक्निकल हो जाएंगी, लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आएगी कि सभी तरीके के रडार्स की तरह ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम है ये भी सिग्नल को ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के बाद रिसीव करते हैं और अगर ट्रांसमीटर से आ रहे सिग्नल को स्टोर करके रिपीटेड इंटरवल्स के ऊपर वापस से ऊपर की तरफ छोड़ दिया जाए तो काफ़ी आसानी से उस इमेजिंग को डिस्टर्ब किया जा सकता है। आने वाले समय में देखने मिलेगा कौन से स्टार्टअप कंपनी इस चैलेंज को लेती है। इंडियन एयरफोर्स की तरह से ये सोच काफी इनोवेटिव है। इसी के साथ दोस्तों इतना ही रखते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है ऐसे जो स्टार्टअप्स को हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं हमारी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के लिए, उससे कई सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी और कई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी डिफेंस सिस्टम को लेके। अगर आप भारत माता के सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता जरूर लिखना और देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दोबारा मत भूलना और अगर ये 3 वीडियोस आपने